हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का पार्ट 3 सीखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का पार्ट 2 और उसके पिछले वीडियो में पार्ट 1 बता दिया था, मतलब कि कुल मिलाकर मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का एक तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल संख्याओं के गुणनफल का स्पेशल ट्रिक सीखेंगे। अब वो स्पेशल संख्याएं कौन सी है उसको समझ लेते हैं। देखिए, वे संख्याएं जिनके इकाई के अंकों का योगफल 10 हो और बाकी शेष अंक क्या हो बराबर हो, वो होगा आपका स्पेशल संख्या। देखिए, यहाँ पर 27 है और 23 है, तो 27 का हम इकाई का अंक देखें तो 7 है और 23 के इकाई का अंक देखें तो 3 है और 7 × 3 = 10, ये हमारा स्पेशल संख्या यहाँ पर है। तो इकाई के अंकों का योगफल 10 है और बाकी जो संख्याएं हैं वो क्या है, बराबर है। देखिए, यहाँ पर 3 और 7 = 10 और 2 2 ये बराबर। यहाँ देखिए 4 6 = 10, बाकी 2 बराबर। यहाँ देखिए 2 और 8 = 10 और बाकी यहाँ पर बराबर। फिर देखिए 8 2 = 10, बाकी संख्या अंक क्या है, बराबर है। 7 3 = 10 और बाकी अंक क्या है, यहाँ पर बराबर है। 9 1 = 10, फिर बाकी अंक बराबर है। वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार के अगर संख्याएं हो तो उनका गुणनफल जो है एक ट्रिक की सहायता से 2 सेकेंड में कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए इकाई के अंकों का योगफल 10 है, ठीक। चूंकि ये दोनों अंक बराबर हैं, यहाँ भी ये बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ बराबर है, लगभग सभी में क्या है, बराबर है। तो इसका गुणा करने के लिए जो सबसे शानदार ट्रिक है वो है, देखिए जो इकाई का अंक है उसका हम लोग गुणा कर देते हैं। तो इकाई का अंक यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है, तो 7 × 3 लिखा गया 21, 7 × 3 = 21, ठीक। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 का इसके अगले वाले अंक में गुणा करेंगे। मतलब ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 का अगला अंक कौन होता है, 3, तो 2 का गुणा करेंगे 3 में और 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया आपका गुणनफल। ओके, सेम टेक्निक यहाँ लगाते हैं। 6 4 देखिए 10 है, ये दोनों बराबर हैं, तो जब गुणा करेंगे तो इकाई का इकाई में गुणा कर लेंगे। देखिए तो 4 6 कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक। अभी देखिए 4 4 दोनों बराबर है, तो 4 का गुणा किस में करेंगे, उसके एक आगे वाला अंक में, मतलब 4 का गुणा किस में करेंगे, 5 में, 4 5 = 20 हो गया गुणा। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, इसी तरह बाकी को भी बना सकते हैं। देखिए इकाई का अंक 2 8 10, बाकी जो अंक है वो बराबर है, सेम टेक्निक है, सेम चीज़ लागू होगा। 2 8 16 2 8 16, अब बच गया 11 11, अब 11 का गुणा उसके एक आगे वाले में करेंगे, तो जब 11 का गुणा आप उसके आगे वाले मतलब 12 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 132। आप 11 का गुणा 12 में करेंगे तो 132 आएगा। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, 12 × 11 11 × 2 = 22 और 11 × 11 = 13 132, ठीक। चलिए सेम चीज़ यहाँ लगाते हैं, 8 × 2 = 16 और 7 7 है, तो 7 का गुणा उसके अगले वाले में होगा, मतलब कि 7 का गुणा जो है अगले वाले अंक मतलब 8 में होगा, तो 7 8 56 रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान ट्रिक है और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। देखिए 3 7 21 और आ गया 4, तो 4 का गुणा उसके आगे वाले में, तो 4 5 4 5 = 20। ओके, देखिए 9 1 9, ध्यान दीजिएगा एक ही अंक बन रहा है, जबकि यहाँ पर 2 2 अंक बन रहा था, तो चूंकि एक अंक हो रहा है 9 1 9, तो लेकिन उसको हम लिखेंगे 0 9, शुद्ध यही है 0 9। अब बच गया 8 और 8, तो 8 का गुणा अगले वाले में, तो 8 9 72 हो गया गुणा आपका। बहुत ही आसान ट्रिक है। यहाँ देखिए 7 3 = 21, अब 1 1 है, तो 1 का गुणा इसके अगले वाले नंबर में, तो अगला वाला नंबर 2 पड़ेगा, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 21। सेम चीज़ है 8 × 2 = 16 और 9 का गुणा अगले वाले में, तो ये 9 है, इसका अगला वाला पड़ेगा 10, तो 9 का जब 10 बार गुणा करेंगे तो 9 × 10 कितना हो जाएगा, 90। ये आपका हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पर 8 × 2 =
16 और 1 है, 1 1 दोनों बराबर है, तो इसका गुणा इसके अगले वाले में करेंगे तो 1 का अगला वाला 2 होता है, 2 1 2 216। यहाँ देखिए सेम सेम है, 8 दुना 16, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, लेकिन इस 10 का गुणा इसके एक आगे वाले में करेंगे तो आगे वाला कौन है 11, और जब 11 का 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 110। तो ये आपका हो गया गुणा, काफ़ी आसान ट्रिक रहा ये। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।